हेलो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है 4 बैंकों को जो है शॉर्टलिस्ट किया है, उसको जो है प्राइवेटाइजेशन करेगा। आप देख सकते हैं इंडिया का जितने सारा लीडिंग न्यूज़पेपर है सभी में जो है आर्टिकल छपा है। कुछ देर पहले का जो आर्टिकल है, 4 मिड साइज गवर्नमेंट बैंक शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार ने इन 4 बैंकों को किया शॉर्टलिस्ट। आप देख सकते हैं इंडिया के जितने सारे टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर है सब में जो है आर्टिकल छपा है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हूँ, उसको जाकर के आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से बैंक का जो है गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने वाला है, कौन कौन से बैंकों का जो है नाम आ रहा है। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को एक एडवाइस करूंगा, आप न्यू कैंडिडेट हैं, अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, 2021 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सब लोग जो है अनअकैडमी का कोर्सेज जो है जाकर के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है कोर्सेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एक्सेलेटर बैच फॉर SBI क्लर्क 2021, बाकी सभी एग्जाम के लिए जो है कोर्सेस स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इस कोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्ट वाइज सभी जो है सब्जेक्ट का सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेगा, इसको आप लैपटॉप पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर कहीं भी देख सकते हैं। अपने फेवरेट टीचर को जो है चूज कर सकते हैं, क्लासेस को जो है डाउनलोड करके आप बाद में भी देख सकते हैं। यानी दोस्तों आपका जो भी डाउट है आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनसे अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी जो है बताया जाएगा, सब कुछ जो है आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप इस कोर्सेज के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन जो है प्लान दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट आपको पे नहीं करना है। आपको जो है अपना कोर्सेज जो है चूज करना है और आपको जो है UK10 कोड अप्लाई करना है। आपको जो है 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेज का जो डिस्काउंट है कुछ दिन के लिए है, अभी जो है अनअकैडमी पे डिस्काउंट जो है बहुत जल्दी जो है खत्म होने वाला है। तो आप में से जितने सारे कैंडिडेट जो है इच्छुक हैं आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, UK10 कोड अप्लाई कीजिए और आप सभी को जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप न्यू कैंडिडेट हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, वहाँ से भी जो है पढ़ करके अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जितने सारे न्यूज आ रहा था उसमें जो है हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल लिया हूँ, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से जो है सुनिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर 4 मिड साइज बैंक फॉर पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 बैंकों का जो नाम आ रहा है वो सबसे ऊपर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों 4 बैंकों का न्यूज आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में जो है बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, अप्रैल में जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों गवर्नमेंट के सोर्सेज से पता चल रहा है कि इन 4 बैंकों में से जो है 2 बैंकों को गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज करेगी और 1 अप्रैल से जो है ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा, ऑफिशियल ने जो है बताया है। यानी दोस्तों 4 जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से जो है किसी 2 बैंकों का जो है प्राइवेटाइजेशन करेगा, ऐसा जो है डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल के अनुसार से जो है पता चल रहा है। तो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। पहले जो है अलग अलग बैंकों का नाम आ रहा था, अब जो है 4 बैंकों का जो नाम आ रहा है इसमें से जो है बहुत सारे बैंक जो है कुछ क्वार्टर से जो है काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में जो है बैंक को लेकर के क्या करेगी, ये तो आने वाले टाइम में जो है जो भी न्यूज आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी आपका जो है सिंपल फोकस होना चाहिए SBI क्लर्क एग्जाम और बाकी SBI का जो एग्जाम होने वाला है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप SBI में जो है जॉब ले लेते हो तो आपका 100% जॉब जो है सिक्योर रहेगा। बाकी सभी बैंकों में जो है जॉब सिक्योर रहेगा, लेकिन एज ए कंपेरिजन अब बाकी के बैंकों में जो है SBI में आपका ज़्यादा जो है जॉब सिक्योर रहेगा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से जो है आप अच्छे से जो है SBI के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जो न्यूज आ रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, जब आपको जो है गवर्नमेंट अनाउंस करेगा 2 बैंकों का नाम उसके बाद हम लोग डिस्कस किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग करियर, गॉड ब्लेस यू ऑल।